हिंदू रीति रिवाज के अनुसार व्रत का एक विशेष महत्व है। व्रत के दौरान महिलाएं व्रत वाले दिन निराहार रहकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना करती हैं। करवा चौथ, देव प्रबोधिनी एकादशी, धनतेरस, गुरु पर्व के अलावा भी आने को ऐसे व्रत हैं जिनको करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को किया जाता है। यह व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। इसके अलावा ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को आता है। इस व्रत के दौरान ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। हरतालिका तीज प्रमुख व्रत में से एक है। इस बार यह 6 सितंबर को आएगी। धर्म विशेषज्ञ चंद्र प्रकाश ढांडल ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका अथवा कजली तीज कहा जाता है। इस दिन संकल्प लेकर भगवान शंकर और पार्वती की बालू रेत की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निराहार व निर्जल व्रत रखा जाता है। मंगल गीत और कीर्तन करके रात्रि जागरण भी किया जाता है। दूसरे दिन पूजा अर्चना करके व्रत को समाप्त किया जाता है। इस बार ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को है। धर्म विशेषज्ञ चंद्र प्रकाश ढांडल ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी के दिन नदी आदि पर स्नान करके घर के शुद्ध स्थान में हरिद्रा आदि से चौकोर मंडल बनाकर उसमें सप्त ऋषियों का स्थापन करें। उसके बाद शाकादि का आहार ग्रहण करके ब्रह्मचर्य पालन के साथ व्रत रखें। हरतालिका तीज हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक व्रत है। इस बार ये व्रत 6 सितंबर को आ रहा है। भादवे की शुक्ल पक्ष की तीज को ये व्रत आता है, इसीलिए जो हरतालिका तीज या कजली तीज भी कहते हैं। ये व्रत भगवान शंकर और पार्वती को खुश करने के लिए किया जाता है। उनकी बालू रेत की मूर्ति बना के उनकी पूजा अर्चना की जाती है और महिलाएँ मंगल गान करती हैं, रात्रि योगा करती हैं, जागरण करते हैं और भगवान को खुश करते हैं। ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। दूसरे दिन भगवान की पूजा अर्चना करके इस व्रत को समाप्त किया जाता है।